कॉपिंग थ्रू वेरिएबल्स क्या होता है जो सीरीज मेरी बनी हुई है यहाँ पे सी सपोज दिस इज माई सीरीज ऑलरेडी क्रिएटेड राइट तो मैं क्या करती हूँ एक नया वेरिएबल ले लेती ले हूँ और उसको इक्वेट करवा देती हूँ मतलब उसमें स्टोर करवा देती हूँ ये जो ऑलरेडी बनी हुई सीरीज है वो ठीक है तो एक ये मेथड हो गई और एक दूसरी मेथड है थ्रू पांडास डॉट कॉपी अब इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं जो आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में राइट सो सी ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एम डूंग पांडाज एंड मैंने उसका नेम अलाइज कर दिया राइट नेक्स्ट वॉट एम डूइंग इज आई एम क्रिएटिंग वन सीरीज कॉल्ड एस राइट सीरीज बना दी उसमें मैंने एक लिस्ट पास कर दी है दैट इज ए बी एन सी दैट लिस्ट कंटेन्स थ्री एलिमेंट्स दैट इज ए बी एन सी ठीक है यहाँ पे मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स आता है जीरो वन टू थ्री के फॉर्म में वही आ जाएगा देन वॉट आई एम डूइंग इज़ आई एम टेकिंग अ वेरिएबल कॉल्ड न्यू और उसमें मैं ये जो एस सीरीज़ है उसको स्टोर करवा दे रही हूँ तो क्या हो गया मेरी एक कॉपी क्रिएट हो गई एस सीरीज़ में भी मेरे एक सीरीज़ है ए बी सी और वही सीरीज़ मैं न्यू वेरिएबल में स्टोर करवा रही हूँ फिर मैंने क्या किया मैंने न्यू वेरिएबल का जो फर्स्ट एलिमेंट है ठीक है बेसिकली दिस वुड बी सेकेंड एलिमेंट बिकॉज हमारा जो इंडेक्स होता है वो ज़ीरो से शुरू होता है ठीक है सो so, जो सेकेंड एलिमेंट सो so, जो सेकेंड एलिमेंट है उसकी जो वैल्यू है उसको मैंने चेंज कर दिया और उसको मैंने लिख दिया चेंज्ड वैल्यू राइट एंड वॉट आई एम डूइंग इज़ आई एम प्रिंटिंग बोथ द सीरीज राइट नाउ हियर आई एम कॉपिंग थ्रू पांडाज डॉट कॉपी फंक्शन राइट ये दूसरी मेथड है हमारी पांडाज डॉट कॉपी फंक्शन यूज़ करके पहले क्या किया मैंने एक सीरीज़ बना ली एस वन सेम सीरीज़ है उसमें भी मैंने ए बी सी ही एलिमेंट्स लिए हैं वॉट आई एम डूइंग इज न्यू वन वेरिएबल ले लिया उसमें मैं उसको कॉपी करवा रही हूँ बट थ्रू दिस कापी फंक्शन ऊपर देखो सिर्फ मैंने ऐस ही लिखा है मतलब मैंने थ्रू वेरिएबल ही कॉपी करवा दिया है यहाँ पर मैं कॉपी फंक्शन यूज करके कॉपी करवा रही हूँ ठीक है ना वॉट आई एम हैविंग इज आई एम हैविंग न्यू वन न्यू वन जो मेरी सीरीज है उसका जो सेकेंड एलिमेंट है ठीक है उसको मैं क्या कर रही हूँ मतलब सेकेंड एलिमेंट एंड द एलीमेंट दैट इज ऑन फर्स्ट इंडेक्स उसको उसकी जो वैल्यू है वो मैं चेंज कर रही रू एंड आई एम राइटिंग ओवर देयर चेंज्ड वैल्यू तो ये जो बी की जगह पे चेंज वैल्यू आ जाएगा राइट एंड आई एम प्रिंटिंग राइट बोथ द सीरीज आई एम प्रिंटिंग इट ओवर हियर नाउ लेट अस सी द आउटपुट कि इसका आउटपुट क्या निकलता है सेव कर लिया और इसे करती हूँ रन सी हियर इज द आउटपुट मैंने यहाँ पे पहले क्या करवाया है यहाँ पे पहले मैंने प्रिंट न्यू करवाया राइट right? तो न्यू सीरीज क्या था मैंने उसका जो सेकेंड एलिमेंट था उसकी वैल्यू चेंज की थी चेंज वैल्यू करके राइट सो हियर इट इज़ जीरो वन टू थ्री ये बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स है वो आ गया है यहाँ पे क्या है ए देन इंस्टेड ऑफ बी आई एम हैविंग चेंज्ड वैल्यू ठीक है क्योंकि मैंने उसका जो न्यू वेरिय न्यू जो मेरी सीरीज़ थी उसका मैंने फर्स्ट uh, एलिमेंट जो था ठीक है फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट था उसकी मैंने वैल्यू चेंज की थी तो यहाँ पे चेंजड वैल्यू आ गया एन सी राइट right. फिर मैं क्या कर रही हूँ फिर मैं एस सीरीज जो थी जिससे मैंने कॉपी बनाई थी न्यू वेरिएबल में उसको मैं प्रिंट करवा रही हूँ तो देखो मैंने एस सीरीज में कुछ भी चेंजेस नहीं किए थे दो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू बी की जगह पे चेंज्ड वैल्यू दिखा रहा है राइट वेर एज जब मैं तो ये क्या था कॉपिंग थ्रू वेरिएबल्स राइट वेर एज जब मैं कॉपी फंक्शन यूज कर रही हूँ पांडा का तब क्या हो रहा है यहाँ पे मैंने पहले न्यू वन प्रिंट करवाया है ठीक है न्यू वन जो मेरी सीरीज थी जिसको मैंने कॉपी किया है एस वन वेरिएबल से एस वन सीरीज से मैंने उसकी कॉपी बनाई है ठीक है तो उसको मैं पहले प्रिंट करवा रही हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट पे चेंज्ड वैल्यू आ रहा है ठीक है तो ये तो हमें चाहिए था क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज वैल्यू किया है बट जब मैं बट जब मैं एस वन सीरीज प्रिंट करवा रही हूँ तब यहाँ पर ए बी सी ही आ रहा है तो ये जो ओरिजिनल सीरीज है उसमें कुछ मैन्युपुलेशन्स नहीं कर रहा है ठीक है वेर एज जब मैं वेरिएबल के थ्रू कॉपी कर रही हूँ तब ओरिजिनल सीरीज में भी मैन्युपुलेशन्स हो जा रहे हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी अगर मुझे नहीं चाहिए मेरी ओरिजिनल सीरीज एज इट इज़ रहनी चाहिए एंड मेरी जो न्यू सीरीज़ है उसी में सिर्फ मुझे मैन्यूपुलेशन्स चाहिए देन आई आइल बी यूजिंग पांडास डॉट कॉपी फंक्शन राइट right. तो ये डिफरेंस था ये दोनों चीज में इट इज़ वेरी सटल डिफरेंस बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस ठीक है हम लोग मोस्टली वेरिएबल uh, के थ्रू कॉपी कर लेते हैं देन वी देन वी गेट अनएक्सपेक्टेड आउटपुट्स राइट तो ये डिफरेंस होता है इसीलिए कॉपी फंक्शन दिया गया है पांडाज लाइब्रेरी में राइट सो इफ यू हैव एनी डाउट इन टू दिस सेशन प्लीज आस्क मी इन टू कमेंट सेक्शन आई डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट And if you like my video, hit that thumbs up button, subscribe to my channel, and don't forget to press that bell icon so that you never miss any future updates. Thank you for watching.